करने जा रहे लड़कों के साथ मारपीट कर 3 मोटरसाइकिल को किया आग के हवाले। एसपी विकास शर्मा ने घटनास्थल का जायजा लिया। 2 समाज के युवाओं में एक दूसरे को गाली गलौज करने के दौरान हुआ झगड़ा। झगड़े में एक पक्ष की मोटरसाइकिल को किया आग। ये जो थाने पे हमें सूचना मिली है 12:15 के आसपास मिली है। ये घटना 12:15 के आसपास की है। घूघरा में मेन रोड पर एक चाय की थड़ी पर कुछ 2 पक्षों का विवाद हुआ। 2 समुदाय थे, उनका विवाद हुआ। कोई छोटी सी बात को लेकर विवाद हुआ जो आगे बढ़ गया, जिसके अंदर उनकी बाइक्स को नुकसान पहुंचाया गया है। 2 बाइकों को तोड़ा गया है, 1 बाइक में आग भी लगी है। अब वो किस कारण से लगी है उसके तफ्तीश जारी है। मैम, विवाद किस चीज को लेकर के हुआ? विवाद कोई छोटी सी बात गाली गलौज को लेकर हुआ था, जैसा अभी तक सामने आया है। उसके बाद दोनों पक्ष थोड़े हीटेड अप हो गए और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पे काफी वार किया है। कितने जनों को डिटेन किया मैंने इसमें? इसके अंदर अभी तक हमने 9 जनों को राउंड अप किया है। और उनका क्या रोल हो सकता है पॉसिबल, उसके अंदर हम तफ्तीश कर रहे हैं। घायल कितने लोग हुए थे? घायल इसके अंदर हुए हैं 9 जने। घायल 5 हुए हैं, 9 जनों के साथ मारपीट हुई है, जिसके अंदर से 3 जनों को सिर पर चोट आई है। डिटेन 7 को है, 8 को किया है? डिटेन 8 को किया है। मैम, इसमें शिकायत में किसने दी है? अभी शिकायत हमें सोहेल ने, साहिल मोहम्मद ने दी है। कहाँ के रहने वाले साहिल? साहिल चमड़ा घर किशनगढ़ के रहने वाले। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया? 323, 41, 308, 427 और भी धाराएं हैं जी। घटना कैसे घटी? घटना जैसा अभी तक सामने आ रहा है, एक पक्ष जो वहां पर दोनों पक्ष मौजूद थे, जब एक पक्ष के लोग चाय पीकर निकलने लगे, उस वक्त गाली गलौच उनके द्वारा शायद की गई और जिसके ऊपर दोनों ही पक्ष थोड़े आक्रोशित हो गए, जिसमें से एक पक्ष हावी होकर दूसरों के ऊपर पत्थरों से वार किए। इसमें किस किस चीज़ों को नुकसान पहुँचा? इसके अंदर व्यक्तियों को नुकसान पहुंचा है, 2 के जबड़े में, 3 के सिर में चोट आई है। इसके अतिरिक्त 2 बाइक जो हैं उनको तोड़ फोड़ की गई है और 1 बाइक पर आग लगी है जी। घटना के बाद अब कानून व्यवस्था कैसी है मौके पर? अब मौके पर डिप्लॉयमेंट कर रखा है हमने फोर्स का, शांति बनी हुई है। लोग जो हैं कोऑपरेट कर रहे हैं, दोनों ही पक्षों के लोग कोऑपरेट कर रहे हैं इसके अंदर और ये सुनिश्चित करवा रहे हैं। श्रीमान एसपी साहब ने रात से ही एक्टिव होकर, प्रोएक्टिव होकर हम लोगों को डायरेक्शन दिए कि हम उनको राउंड आउट करें जिन्होंने भी ऐसी गतिविधियां की हैं और उत्पात मचाया है। और इसी का नतीजा है कि दोनों पक्ष हमसे सेटिस्फाइड हैं कि हम किसी भी तरीके की गलत कोई भी चीज़ नहीं कर रहे जी। और कोई भी अक्यूज बाकी है? अभी इनसे, अभी जो जिनको राउंड अप किया है उनसे पूछताछ जारी है, जिनको चोट लगी है उनसे और इन्वेस्टिगेशन करना है, क्योंकि वो नाम से किसी को भी नहीं जानते हैं, चेहरों से पहचान सकते हैं। तो वो सब आगे जैसे जैसे हम फर्दर प्रोसीड करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो FIR दिया, अकॉर्डिंग टू FIR 10 से 12 लोग थे मौजूद वहाँ पर जी। हथियार वगैरह कोई बरामद नहीं? हथियार नहीं अभी तक। मेडिकल वगैरह करवाते हैं घायलों को? जी, घायलों का मेडिकल हो गया। पुराना रिकॉर्ड अभी सामने आया जी? बिल्कुल बिल्कुल, सबका जो जिनके ऊपर भी आरोप लगे हैं उनका सजाया भी रिकॉर्ड वगैरह हम प्राप्त करेंगे। ठीक है। हम हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।